होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। जब एप्रेम बोलता था तब लोग कांपते थे और वह इस्राएल में बड़ा था, परंतु जब वह बाल के कारण दोषी हो गया तब वह मर गया। और अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धि से चांदी ढालकर ऐसी मूर्तें बनाई है जो सब की सब कारीगरों ही से बनी, और उन्हीं के विषय लोग कहते हैं कि जो नरमेघ करे वे बछड़ों को चूमे। इस कारण वे भोर के मेघ और तड़के सूख जाने वाली ओस और खलिहान पर से आंधी के मारे उड़ने वाली भूसी है और चिमनी से निकलते हुए धुएं के समान होंगे। मिस्र देशी से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न जानना, क्योंकि मेरे सिवा तेरा कोई उद्धारकर्ता नहीं है। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था। जैसे इस्राएली चराए जाते वैसे ही वे तृप्त होते जाते थे, और तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भरता था, इस कारण वे मुझको भूल गए। इस कारण मैं उनके लिए सिंहसा बना हूं, मैं चीते की नाई उनके मार्ग में घात लगाए रहता हूं। मैं बच्चे छिनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा, और वही सिंह की नाई उनको खा डालूंगा, वन पशु उनको फाड़ डालेगा। हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। अब तेरा राजा कहा रहा कि वह तेरे सब नगरों में तुझे बचाए, और तेरे न्यायी कहा रहे जिनके विषय में तूने कहा था कि राजा और हाकिम मेरे लिए ठहरा दे। मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाया और फिर जलजलाहट में आकर उसको उठा भी दिया। एप्रेम का अधर्म गठा हुआ है, उसका पाप संचय किया हुआ है, उसको जच्चा की सी पीड़ा उठेगी। वह तो निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म के समय ठीक से आता नहीं। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा, मैं मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहां रही? हे अधोलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहां रही? मैं फिर कभी पछताऊंगा नहीं। चाहे वह अपने भाइयों से अधिक फूले फले तो भी पुरवाई उस पर चलेगी, और यहोवा की ओर से पवन जंगल से आएगा और उसका कुंड सूखेगा और उसका सोता निर्जल हो जाएगा, और वह उसकी रखी हुई सब मनभावनी वस्तुएं लूट ले जाएगा। सामरिया दोषी ठहरेगा क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से बलवा किया है। वे तलवार से मारे जाएंगे और उनके बच्चे पटके जाएंगे और उनकी गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएगी।